jungle. पूर्व के शांतिनगर लोधीगंज निवासी जिनका मकान जीटी रोड के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है, उन्होंने आज मिलकर जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को सड़कों पर आने जाने की सुविधा हेतु विकास कार्य कराया जा सके। सभी लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया कि कृपया इसको एक बार सही कराने का कष्ट करें, जिससे कि लोगों की मानसिक स्थिति सही हो सके और उनके मकान और दुकान टूटने से बच सके। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता नाम जी। कहाँ के निवासी आप हैं? लोधी मोहल्ला। क्या समस्या है आपकी जो आप यहाँ पर हैं? हम लोग ये यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं लोधी जीटी रोड में, हादसा खुद दोनों पटरी दोनों तरफ ली गई नाप जो कि बहुत ज्यादा है, शहर के मानक में कहीं भी ऐसी नाप नहीं ली गई जो हमारे मोहल्ले पे ली गई है, और हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं कि इसलिए ये जो नाप ली उस नाप को गुंजाइश की जाए, ताकि नहीं कि पूरे परिवार पूरा व्यापार से उजड़ जाएगा। जी क्या चाहते हैं आप सरकार से? बस हम लोग यही गुंजाइश चाहते हैं, गुजारिश है कि हमारे नाप को कम की जाए, ताकि हमारे मकान और दुकान बच सकें, और हम लोग पूरा सहयोग करना चाहते हैं अतिक्रमण में। आपका? प्रभाकर मोर। कहाँ के रहने वाले हैं? लोधीगंज। किस वजह से आज आप यहाँ पर हैं? कारण ये है कि हमारी तरफ जो नाप हो रही है वो 68 दोनों साइड 68 फुट हो रही है, जो गलत है। क्या पहले का क्या मानक था? पहले का जो मानक था 35 फुट जो पेपर में प्रिंट आउट हुआ था जी। तो उसके बाद हम लोगों के अगर ये मानक के जो कल हुई है अगर इसके अगर टूटता है ये तो हमारे घर हमारी दुकानें सब कुछ चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं आप सरकार? अब सरकार से यही चाहते हैं कि अपना जो सिस्टम है थोड़ा से हमारे लिए कष्ट करें, कि मतलब हमारा घर न टूटे न दुकान टूटे।